हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। तो रोज़ की तरह हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हमारे पास क्या क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि विच बैक्टीरियम इज़ यूज टू कन्वर्ट मिल्क इंटू योर हार्ट। दूध से दही जमाने के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जीवाणु का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली आपसे पूछा है। आंसर बताइए, कौन सा जीवाणु वहाँ पे यूज होता है। दूध को दही में कैसे कन्वर्ट करते हो? कभी भी आपने घर में देखा होगा कि मम्मी वगैरह क्या करते हैं कि दूध के अंदर रात को सोते वक्त थोड़ा सा दही मिला देते हैं या छाछ मिला देते हैं। ठीक है, क्यों मिलाते हैं? ताकि दूध खट्टा हो जाए। जैसे दूध खट्टा होगा, ओवरनाइट उसे रखोगे, पूरी रात रखते हैं, तो सुबह वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। या वहाँ पे जो बैक्टीरिया काम करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो जो ये प्रोसेस होती है, घर पे जाके अपनी मम्मी को भी समझाना आप कि लैक्टोबैसिलस इन एक्चुअल वहाँ पे होता है जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है दही के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन। क्या नाम है? केसिन प्रोटीन मिल्क के अंदर पाया जाता है। इमेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोएचा ला पासिस लोकेटेड। पासिस वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो या तीन पासिस ऐसे हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं, तो सारे पासिस को कवर करते हैं। तो गोइचा ला पास के बारे में पूछा है, कौन से राज्य में स्थित है ये। ये बेसिकली यहाँ पे बेस कैंप लगते हैं, जैसे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं ना घूमने ट्रिप वगैरह के लिए, तो वहाँ पे कैंप लगते हैं। और इस एरिया से आप सीधा कंचनजुंगा को देख सकते हैं, चोटी को देख सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर ये जगह है। तो ये कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब जो पासिस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, उत्तराखंड को मैं यूके से लिख रही हूँ। इसमें एक बहुत ही फेमस पास है जिसका नाम है लीपू लेक। ये पास आपको याद रखना है। हिमाचल के अंदर दो पास है जो एग्जाम में आते हैं। एक तो है फेमस बारा लाछाला याद रखना है। सेकेंड आपको रोहतांग दर्रा भी हिमाचल के अंदर है, रोहतांग पास भी याद रखो। एक मना पास, याद, मना पास उत्तराखंड में है। मना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लिपू ले पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों राज्यों के नाम भी, ये जो पासिस हैं, दर्रे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके किस स्थान पे ले गया था, ये आपसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन से वंश के शासक थे? तुगलक वंश के। और तुगलक वंश कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि पांच वंश आपको याद रखना, और उनकी ट्रिक भी बताई है मार्केट से लाओ। पहला है मामलुक वंश या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश। तो तीसरे नंबर का वंश है तुगलक वंश। उसके जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी राजधानी क्या थी? तो जब तुगलक वंश की स्थापना होती है उस वक्त इसकी राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राजधानी थी। फिर 1327 में क्या किया, इसकी राजधानी दिल्ली से इसको शिफ्ट कर दिया गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बनाई इसकी राजधानी? दौलताबाद। यह आपको याद रखना है। ये मुस्लिम वंश था। ठीक है, और कौन से नंबर के वंश था? तीसरे नंबर पे, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो एक भारत बाहर से फॉरेन विजिटर आए थे, मतलब कहें कि यात्री जो आए थे भारत के अंदर, उनका नाम याद रखना है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने भारत की यात्रा की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इब्ने बतूता आपको याद रखना है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन द डायरेक्शन। स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा किस दिशा में रहती है, ये आपको बताना है। तो फ्रीली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है इस प्रकार से आपने कोई चुंबक को फ्रीली ऐसे छोड़ रखा है, निलंबित है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड याद रखना, नॉर्थ से साउथ इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अर्थ की डायरेक्शन अगर पूछ ली जाए कि अर्थ किस दिशा में घूमती है, तो आंसर क्या होगा? वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज हिटाकी डायनेसिटी डेवलप्ड। हिटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ है? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है इसकी डिटेल्स। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हिटाकी वंश
कहाँ से विकसित हुआ है? अफगानिस्तान से। बस अफगानिस्तान याद रख लो, आपका काम हो गया। ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड? के एंड्रॉयड को विकसित करने की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? एंड्रॉयड क्या होता है? जो आपके नॉर्मल फोन्स होते हैं, आप कभी फोन लेने जाते हो तो वो कहता है एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जैसे विंडोज, एक विंडोज सिस्टम है, जो आईफोन्स वगैरह होते हैं उनमें विंडोज सिस्टम होता है, आईओएस होता है, या कंप्यूटर्स वगैरह में विंडोज होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8 इस टाइप से। तो एंड्रॉयड सिस्टम के पूछा गया है कि आधिकारिक भाषा कौन सी है? जितने भी काम होते हैं एंड्रॉयड सिस्टम के वो सारे होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो जावा आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया आपका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान आपका जीवन आपसे नहीं छीन सकता। जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, आपकी जो खुद की प्राइवेसी है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है। कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल 21 जो है संविधान का, मौलिक कर्तव्य जो हमारे आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसके आर्टिकल 21 में ये कहा गया है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। आर्टिकल 21 में एक नया क्लॉज ऐड किया था जिसको कहते हैं RTE, मतलब राइट टू एजुकेशन, कि 6 साल से लेके 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको एक तो फ्री एजुकेशन मिलेगी, मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, और कंपलसरी मतलब ज़रूरी शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। ये कहा गया है संविधान के आर्टिकल 21A के अंदर, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन, की शिक्षा का अधिकार। चलिए आर्टिकल 20 के बारे में जान लो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको सुरक्षा देता है कि आपके जो ऑफेंसेस हैं, मतलब आपने कोई क्राइम किया है, उसके आपको कन्विक्ट कर दिया गया है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई है, उस वक्त आप पे क्या क्या अधिकार होते हैं, वो सब अधिकार आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये जान लो कि जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं, राष्ट्रीय आपातकाल, उस वक्त कौन से दो आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, वो एज इट इज रहते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य में? मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जब आपातकाल लगता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है, सिर्फ दो फंडामेंटल ऐसे हैं, राइट्स ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं जाता, वो है, याद रखना, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी आपातकाल के टाइम पे सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑफ ऑरेंज कलर एंड इट हैज़ वाइट कलर बैंड्स ऑन इट्स आउटर सर्फेस? क्वेश्चन इज कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो नारंगी रंग का है, इसके बाहरी सतह में सफ़ेद रंग का घेरा होता है? ये आपसे पूछा गया है। जो ऑरेंज कलर का जो प्लैनेट दिखता है वो है जुपिटर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, जुपिटर इसके लिए। और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसके कितने मून होते हैं, चंद्रमा कितने होते हैं इसके? तो 64 चंद्रमा इसके होते हैं, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन डी देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताना मैं भूल गई थी आपको। वीनस, वीनस के बारे में याद रखना कि ये सौर मंडल का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है। सेकेंड थर्ड पॉइंट ये कि इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, अर्थ, अर्थ ट्विन कहा जाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम ऑल्सो बगेल वर्ड यूज, बेगल शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? ये आपसे पूछा है। चार खेल दिए गए हैं, टेनिस, क्रिकेट, स्क्वैश और बॉक्सिंग। बताइए कौन से खेल से, अगर आपको खेलों की जानकारी है इतनी, तो कौन से खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस शब्द होता क्या है, बेगल का मतलब ये होता है कि दो टीम खेल रही हैं, दो प्लेयर्स, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। तो प्लेयर ए का जो स्कोर है वो है 0, प्लेयर बी का स्कोर है वो है 6। तो मैच का टोटल स्कोर क्या हुआ, फाइनल स्कोर आएगा 6-0। ठीक है, कि 6-0 से हराया है ए को। तो ये जो स्कोर है कि 6-0, ए ने एक भी मैच नहीं जीता, एक सिंगल मैच भी नहीं जीता, ये शब्द यूज किया जाता है टेनिस के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है।
टेनिस सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स आर देयर इन इंडिया, भारत के अंदर कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो भारत के अंदर 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 10 के 10 तो नाम तो याद नहीं रखने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं गया है जो क्वेश्चन आया है पिछले सालों में, बट फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं तीन चार नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि डेजर्ट एरिया है भारत का जैव भौगोलिक, मतलब पूरे भारत को दिमाग में रख के सोचो भारत के मेन क्षेत्र कौन से, जैसे डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया है, कहीं पे बारिश होती वो वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये सब कुछ एरियाज है, हिमालय है, हिमालयाज है, और ट्रांस हिमालयाज आते हैं, वेस्टर्न घाट्स आते हैं, तो ये सब रीजन्स, ऐसे करके 10 रीजन्स होते हैं, वो रीजन्स बायो जोग्राफिकल रीजन्स कहलाते हैं। तो नाम याद रखना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी संख्या कितनी है, तो 10 संख्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सिल्क की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है मलबरी सिल्क, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क कौन सा पाया जाता है भारत में, दैट इज मलबरी सिल्क, ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं भारत के अंदर, सबसे फेमस और सबसे फाइन सिल्क की जो साड़ियाँ पाई जाती है वो है कांजीवरम साड़ियाँ, ठीक है, सबसे फेमस है कांजीवरम साड़ियाँ। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से शहर में होता है कर्नाटक के अंदर, राज्य के अंदर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे अधिक सिल्क का उत्पादन होता है चाइना के अंदर, वैश्विक लेवल पे आंसर होगा चाइना, इंडिया लेवल पे आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पहले आंसर देखते हैं, आंसर है राइजोबियम, अब इसको समझते हैं कि आंसर कैसे आया हमारा। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमारी जो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो आप सभी को पता है 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो कभी भी नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए थोड़ी हानिकारक होती है। अब ये क्या करेंगे, अब अगर ये ऐसे नहीं ले सकते तो किसी और तरीके से लेंगे, ये इसको हानिकारक फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि अमोनिया हुआ, नाइट्रेट हुए, नाइट्राइट हुआ। अब ऐसा कौन करेगा, ऐसा करने के लिए प्लांट्स की जो जड़ होती है, देखो पौधों की जो जड़ होती है उसमें इस प्रकार से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस N2 को अमोनिया में बदल देते हैं, फिर प्लांट अच्छे से ले सकते हैं नाइट्रोजन को। इन बैक्टीरिया को कहा जाता है राइजोबियम, जो पौधों की रूट के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, UHT इज अ प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, UHT प्रोसेस क्या होती है पहले ये जान लो। UHT प्रोसेस में क्या होता है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, एक तो होता है हाई, एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर दूध को उबालते हैं, और इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि दूध के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो सारे मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, फिर आपको प्योर मिल्क वहाँ पे मिल जाता है। तो किसके लिए यूज़ होता है ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मिल्क के लिए, ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। इसको याद कैसे रखोगे, हम डेली सुबह क्या करते हैं, जो दूध लेके आते हैं उसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं, कैसे टेम्परेचर पे, तेज गैस पे ऊपर उबालते हैं, तो उससे याद रख लो कि UHT प्रोसेस अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कब चाहिए होगा, जब आप मिल्क को बॉयल करते हैं, तो सेकंड मिल्क आपका सही आंसर है। वेयर इज नोबल म्यूजियम लोकेटेड इन द वर्ल्ड, कि विश्व में नोबल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो नोबल म्यूजियम बताओ, लंदन के अंदर है, स्वीडन में है, स्टॉकहोम में है, डेनमार्क में है, कहाँ पे है, आंसर क्या होगा इसके अंदर है क्या नोबल। देखो नोबल से ही आप इस शब्द आ रहा है नोबल प्राइज, तो नोबल प्राइज की जो भी जानकारियां हैं वो इस म्यूजियम में दी गई हैं। अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ कि नोबल प्राइज का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल ने अपने ही नाम पे नोबल पुरस्कार का नाम रखा, ठीक है। और ये म्यूजियम है स्वीडन के अंदर, ऑप्शन वन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन्स बेबी बॉडी, इस क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य के बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो हड्डियों का नाम आते ही 206 दिमाग में आता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ट्रिक ये है कि बेबी के अंदर पूछा गया है, बच्चे के शरीर के,
जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती हैं। कुछ हड्डियां होती है जो पूरी तरीके से बनी नहीं होती है, ठीक है, जुड़ी नहीं होती अच्छे से, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फिर जैसे वो एडल्ट बनता है, वयस्क बनता है, तो हड्डियाँ जुड़ उड़ के सारी हड्डियाँ कम हो जाती हैं, फिर हड्डियाँ हो जाती है 206। ठीक है, यहाँ पे 300 ऑप्शन गिवन नहीं है, आंसर होगा 300। आप कोई भी इसको आंसर बना लीजिए, 300। ठीक है, फोर्थ आपका सही आंसर होगा। और जब बाद में एडल्ट की बात करें, अगर इस क्वेश्चन में एडल्ट पूछा होता तो एडल्ट में होती है 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड माउस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? पहले ये बता दो कि कंप्यूटर का फादर कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आंसर होगा चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किया डगलस एंजलबर्ट ने, ऑप्शन थर्ड, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पेंडुलम वॉच, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? पेंडुलम जो आपने घर में ऐसी वॉच देखी होगी, नीचे पेंडुलम इसमें लगा होता है, तो उस पेंडुलम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए पेंडुलम का आविष्कार किसने किया है? आंसर होगा क्रिश्चियन ह्यूगेंस, ऑप्शन फोर। देखो क्रिश्चियन ह्यूगेंस। ऑप्शन सेकंड पे आ जाओ, इन्होंने आविष्कार किया है बल्ब का। अगर बल्ब के बारे में कोई पूछे तो आविष्कार किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। विच गेम इज एसोसिएटेड विद साइना नेहवाल? बहुत इजी क्वेश्चन है, साइना नेहवाल को आई थिंक सब जानते ही होंगे, बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बैडमिंटन इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर है। सेंटीग्रेड विच इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिनोटेड ऑन द नेम ऑफ, सेंटीग्रेड जो तापमान की एक इकाई है किसके नाम पर है, ये आपसे पूछा गया है। सेंटीग्रेड तापमान की एक इकाई है, जैसे सेल्सियस होती है ना, सेल्सियस होती है, केल्विन तो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, तो पूछा गया है यूनिट है टेम्परेचर की सेंटीग्रेड, उसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? एंडर सेल्सियस के नाम पे। तो बहुत इजी था, सेल्सियस से पहचान लो इसको, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा, उसको सेल्सियस में चेंज करो, या सेल्सियस में दिया होगा तो केल्विन में बदलो। वो कैसे बदलते हैं? इस फॉर्मूले से आपको बदलना पड़ेगा, 273 ऐड करना है, ये फॉर्मूला याद रख लो। कोई भी क्वेश्चन दे दे कि सेल्सियस को बदलो केल्विन को बदलो, आपका सही मिलेगा। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, 273 आपको जोड़ना है अगर केल्विन में पूछा गया है, सेल्सियस में पूछा गया तो माइनस कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच प्रिंसली स्टेट वॉज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, कौन सा एक ऐसा रियासती राज्य है जो सबसे बड़ा स्वतंत्र राज्य था जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस वक्त प्रिंसली स्टेट थे सारे। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टेट था हैदराबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, निम्न में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? बताइए लाफिंग गैस किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा लाफिंग गैस के लिए? लाफिंग गैस जो एक ऐसी गैस होती है जो जैसे आप सूंघते हैं उसको या एटमोसफेयर में फैलती है तो आपको हंसी आने लगती है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं कि आप हंसने लगते हो ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाम भी दिया जा सकता है और फॉर्मूला भी दिया जा सकता है, दोनों ही याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड ये सही जवाब होगा। वेयर वॉज रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, के अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर शहीद हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक फेमस नेता थी, एक उनका संबंध आप सभी को पता है, झांसी की रानी भी उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो झांसी के में ही लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुई थी, और उनका बचपन का नाम जो ओरिजिनल नेम था वो एग्जाम में पूछा जाता है, मणिकर्णिका तांबे उनका ओरिजिनल नेम था, तांबे, और उन्हें मनु नाम से भी जाना जाता था, मनु। और झांसी में, और उनका 1857 की जो क्रांति है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आंसर होगा झांसी, कहा जाता है ना झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो इनका संबंध कहाँ से है? झांसी में इनका जन्म हुआ है और झांसी में ही इनकी मृत्यु हुई है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विच वन इज नोन एज माइंड ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन ये है कि किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? माइंड मतलब दिमाग, जैसे आपका दिमाग है वैसे कंप्यूटर का दिमाग भी होता है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अभी, आपने पढ़ा, आपने देखा, समझा, तो
वो सारी चीजें आप जो देखी हैं, आपने किया है, उन सबकी एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब कहाँ क्या होती है कि आपको समझना पड़ता है कि मैंने जो अभी देखा है, हाँ वो क्वेश्चन ये है, तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये प्रोसेसिंग आपकी कहाँ पे होती है, आपके दिमाग में होती है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी, जैसे आप कुछ टाइप करते हैं, गेम्स टाइप कर रहे हैं, गूगल करते हैं आप कुछ, तो वो सब उसका जो ब्रेन के पास पहुंचता है कि हाँ मुझसे गूगल पे पूछा गया है कि पिनाकल साइट पे मुझे ऑनलाइन वीडियोस देखनी है, तो आपका जो ये प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर के अंदर, उसे वो कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं या माइंड कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कहा ना यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड कंप्लीट डिजिटल स्टेट, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। बताइए पहले ऐसा कौन सा राज्य है। आप सभी को पता होगा कि डिजिटल इंडिया एक कैंपेन चल रहा है भारत के अंदर, सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, हम कैश भी बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल। मैं तो इनफैक्ट आजकल बहुत ही कम कैश यूज़ करती हूँ, तो हम पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, भीम यूपीआई, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से डिजिटल है, मतलब वहाँ पे सब लोग कैश बहुत कम यूज़ करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, इतना एजुकेटेड स्टेट है। वो है केरल। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, और जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तब उन्होंने इस स्टेट को डिक्लेयर किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएम, एसपीएम का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। बताइए, सस्पेंडेड पोल्यूशन होगा, पार्टिकल होगा, या पार्टिकुलेट होगा, क्या होगा। आंसर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर की शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पीएम। जब अभी पोल्यूशन चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो डेली हम लोग पढ़ते थे कि PM 2.5 इतना है, PM 10 इतना है, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। तो पीएम शब्द का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ऐसे कण जो एटमोसफेयर में मौजूद होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो पोल्यूशन करते हैं, इस प्रकार के कणों को, मैटर को कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर, कि पोल्यूशन करने वाले। ठीक है, इसके लिए दो ही कण याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, PM 2.5 और PM 10। ये दोनों पूछे जाते हैं कि पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर जैसे छोटे साइज का ऐसे क्वेश्चन आए कि ऐसे छोटे कण कौन से हैं जो पोल्यूशन करते हैं, तो आंसर होगा 2.5, और बड़े साइज में पूछा जाए तो PM 10 आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे। टू बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टेड बाय, मानव शरीर में दो हड्डियाँ किसके द्वारा जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। बताइए, मानव शरीर में जो दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वो किसके द्वारा जुड़ती हैं, क्या कहा जाता है, हमने जोड़ कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है, मांसपेशी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो, बोन टू बोन जब कनेक्शन होगा ना, उसे शब्द दिया जाता है लीगामेंट। एक होता है कि बोन से अगर मसल को जोड़ेगा तो उसे कहा जाता है टेंडन। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में पूछा है बोन टू बोन, आंसर होगा लीगामेंट, अस्थि बंधन द्वारा, और अगर बोन को मसल से जोड़ेगा तो टेंडन होगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन हमारे शरीर में कौन सी है, और सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है। चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस। स्टेपस कहाँ पे होती है, कान के अंदर होती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और फीमर कहाँ पे होती है, थाई के अंदर होती है, थाई बोन है। हु इज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स, भारतीय सशस्त्र बल का प्रधान सेनापति कौन है। हमेशा याद रखना कि इंडियन आर्म्ड जो फोर्स है उसका चीफ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे हेड होंगे, सेनापति होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। और राष्ट्रपति के लिए उम्र चाहिए होती है 35 वर्ष। और दूसरा, इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। अब देखो, राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियाँ करता है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ, राष्ट्रपति किन किन चीज़ों की नियुक्ति करता है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर को नियुक्त करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में जो जजेस हैं, जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, उनकी नियुक्ति करता है। CAG की नियुक्ति करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है,
उसके साथ साथ यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी नियुक्ति मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बता दी, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इन सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं। सभी को पता होगा सूर्य के तरफ चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स लगाते हैं। आंसर होगा ग्रह। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बता देती हूँ कि किसके मतलब कोई थ्योरी पूछ ली जाए कि कौन सी थ्योरी में ऐसा कहा गया है, तो कैपलर थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि जो ग्रह हैं वो पृथ्वी सॉरी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कैसे, ऑर्बिट में एलिप्टिकल। ऑर्बिट क्या याद रखोगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अब इस शब्द का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ये सूर्य होता है, सूर्य के इस प्रकार से चारों ओर ग्रह होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप इस प्रकार का डायग्राम, इसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज मॉन्क हैड ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस चीनी संत ने भारत की यात्रा की थी। देखिए जो ट्रेवलर्स होते हैं इन पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको सारे ट्रेवलर्स कवर करवा सकूँ जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो गुप्ता काल में ये आए थे फाहीन, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, फाहीन आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड में भी कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के टाइम पे। हेन तसांग की बात करें, जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया गया है, हेन तसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट है जो पूछा जाता है वो है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट देखो मार्को पोलो पूछा जाता है, मार्को पोलो कब आया था, जब पांडियन साम्राज्य था साउथ के अंदर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखो अब्दुल रजाक, ये आखिरी है, अब्दुल रजाक कब आया था, देवराय फर्स्ट के टाइम पे। देवराय कौन सा किंगडम था, कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो ये ही मोस्टली 6-7 हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, मैंने सारे आपको एक क्वेश्चन में कवर करवा दिए हैं। कभी भी आ जाए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना इससे रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आई थिंक इसी में से 6-7 में से बन जाते हैं, इसके अलावा तो है भी नहीं यात्री वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मेड फर्स्ट चॉकलेट बार, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। चॉकलेट्स लवर्स के लिए क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप आंसर कीजिए कि हु मेड फर्स्ट चॉकलेट बार, चॉकलेट बार सबसे पहले बनाया था, बताइए किसने बनाया था। जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनाया था, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कूबड़ वाले ऊँट को क्या कहा जाता है। कैमल हु हैज वन हम्प इज नोन एज, ऐसा एक ऊँट जिसमें एक कूबड़ होता है, आपने ऊँट देखा होगा उसमें एक ही कूबड़ होता है, ठीक है, तो उसे नाम दिया जाता है ड्रोमेडरी। अब याद रखना एक कुबड़ होगा तो ड्रोमेडरी नाम दिया जाएगा, अगर दो होगा तो उसे नाम दिया जाएगा बैक्ट्रियन, ठीक है। एक होगा तो ड्रोमेडरी और अगर दो होगा तो बैक्ट्रियन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज इन ड्यूरिंग एक्सहेल, कि भाप बनने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी वर्जन इसका गलत है, एक्सहेल देखो हिंदी वाला वर्जन इसका काट दो, एक गलत प्रिंट हुआ है। विच वन इज ड्यूरिंग एक्सहेल, मतलब एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना, इनहेल होता है सांस को अंदर लेना। आप सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, तो हमेशा आप गैसेस को छोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एटमोसफेयर में कितनी सारी गैसेस पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा एटमोसफेयर में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज इन ड्यूरिंग एक्सहेल, जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त कौन सी गैस निकलती है, सबसे अधिक जो गैस एटमोसफेयर में प्रेजेंट होगी वो गैस निकलेगी, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीजन आंसर नहीं है, वैसे देखो कहा जाता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस लेने, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एटमोसफेयर में इतनी सब गैसेज है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप गैसेज ना लो, आपके शरीर में सारी गैसेस जाती हैं लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में जाती हैं, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं और एक होती है नाइट्रोजन। आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन लेंगे आप, ठीक है।
द मार्केट वेयर सम कंपनीज कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ मार्केट इज नोन एज, उस बाजार को क्या कहा जाता है जिसमें कुछ कंपनियों का अधिकांश बाजार पर नियंत्रण होता है। बताइए आंसर क्या होगा इसके लिए। मोनोपली का मतलब होता है सिर्फ एक ही कंपनी का अगर पूरे बाजार में अधिकार हो, मतलब पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी हो तो मोनोपली होती है, सिर्फ दो ही कंपनी हो तो ड्यूओपॉली होती है, ओलिगोपॉली है हमारा आंसर। कि द मार्केट वेयर सम कंपनीज कंट्रोल मेजोरिटी, मतलब कुछ कंपनियां होंगी वहां पे मोर देन टू, वो होती है ओलिगोपॉली। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। परफेक्ट कंपटीशन आप समझ सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज है और सबके बीच में अच्छा कॉम्पिटिशन है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आंसर होगा इसका ओलिगोपॉली, जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच रिवर वर्ल्ड हाइएस्ट मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज इज मेड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज जिसका नाम है मिलाओ वायाडक्ट सेतु का निर्माण किया गया है कहाँ पे, कौन सी नदी के ऊपर किया गया है। इसके लिए आंसर होगा, याद रखना नदी का नाम ताब। ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आज का सेशन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने देखे हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल तो दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को डेली डिस्कस कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम आपके लाइव क्लासेस कितने बजे होती है, तो डेली 9 AM मेरी लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।